देखिए वर्ड्स प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ना, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसको ही एक मैथमेटिकल लैंग्वेज देना होगा। जैसे ये एक क्वेश्चन है आपका वर्ड्स में, और इसी वर्ड्स के प्रॉब्लम को हम मैथमेटिकल इक्वेशन जो देते हैं ना उसी को हम बोलते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम। तो अभी जो हम डिफरेंट टाइप ऑफ मनी मैटर्स हो गया, फिर तुम्हारा पैसा रुपया का बात हुआ उस पर क्वेश्चन है तुम्हारा, फिर तुम्हारा आगे जाओगे तो क्वेश्चन तुमको मिलेगा किस पे, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स है ना, 2 डिजिट नंबर होते हैं ना उस पे मिलेंगे। फिर तुम्हारा क्वेश्चन हो गया इस पे क्या बोलते हैं, एजेस रिलेटेड, कि राम का एज जो है वो उसके फादर के एज का डबल है, इस तरह का। फिर टाइम डिस्टेंस पे, तो हर तरह का क्वेश्चन जो होता है उसे हमें क्या करना है कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन बना देना है, मतलब उसको मैथमेटिकल इक्वेशन का रूप देना है। जैसे कि एक क्वेश्चन देखो, फिर एक आता है स्ट्रीम वाला भी क्वेश्चन, स्ट्रीम एंड बोट वाला, सारा हम देखेंगे। तो ये कह रहा है कि 8 चेयर्स एंड 5 टेबल्स फॉर अ क्लास रूम कॉस्ट ₹6,450, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इच चेयर एंड दैट ऑफ इच टेबल। हमको लग रहा है पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाए हैं क्या, हाँ कुछ गड़बड़ लिखे हैं, पूरा लिख लेने दीजिए। ये क्वेश्चन हम फिर से लिखे हैं, देखिएगा इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि 8 चेयर्स एंड 5 टेबल फॉर अ क्लास रूम कॉस्ट ₹10,500, वाइल 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट ₹6,450। फाइंड द कॉस्ट ऑफ इच चेयर एंड दैट ऑफ इच टेबल। अब सोचो ध्यान से कि 8 चेयर और 5 टेबल का वो पैसा वैसा जोड़ के एक आदमी बता दिया, 8 गो चेयर और 5 गो टेबल का पैसा वैसा जोड़ के तुमको ये बता दिया कि इतना रुपया है। फिर एक दूसरे आदमी को 5 चेयर और 3 टेबल का दाम बता के बता दिया कि 5 गो चेयर लीजिएगा और 3 गो टेबल लोगे तो इतना रुपया देना पड़ेगा। तो अब तीसरा आदमी जो बचा उसको कह दिया गया कि ये दोनों इक्वेशन से अगर 8 चेयर और 5 टेबल का दाम इतना है और 5 चेयर और 3 टेबल का दाम इतना है तो बताइए कि प्रत्येक कुर्सी और मतलब प्रत्येक चेयर और प्रत्येक टेबल का दाम कितना है। क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, क्योंकि इतना इतना का मिला के दिया था, अब अकेला अकेला कितना का नहीं मालूम है। तो कह रहे अकेला अकेला बताओ कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ इच चेयर एंड दैट ऑफ इच टेबल। अब तुम ये बताओ हमें कि तुमको मालूम है कि प्रत्येक टेबल का और प्रत्येक चेयर का दाम कितना है, नहीं मालूम है तो हम मान लेंगे कि लेट लेट कॉस्ट ऑफ इच चेयर बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ इच टेबल ₹Y या ₹Y जो भी हो, बात समझे? मतलब यही हो गया दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो वेरिएबल आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब मान लो कि अगर उस बंदे को, तीसरे बंदे को नहीं मालूम था कि प्रत्येक टेबल और प्रत्येक चेयर का दाम कितना है, तो उसने प्रत्येक चेयर का दाम ₹1 मान लिया, कि एक चेयर का दाम हम मान रहे हैं ₹1 है एंड एक चेयर का दाम आपका ₹Y है। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब ये बताओ 8 गो चेयर वो लिया है ना, 8 गो चेयर और 5 गो टेबल, तो एक गो चेयर का दाम वो कितना ले रहा है, ₹1 माना है। तो अगर एक टेबल का दाम ₹1 है तो 8 गो टेबल का दाम ₹8 होगा। अब फिर प्लस 5 गो टेबल का दाम कितना हो जाएगा,
फाइव वाई, एक टेबल का दाम वाई रुपीस है तो पांच टेबल का दाम पांच वाई, और दोनों मिला के कॉस्ट दिया हुआ था हमको 10,500। समझ में आया? ये हुआ फर्स्ट कंडीशन, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन लिख सकते हो, फर्स्ट कंडीशन। अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है क्वेश्चन का? कि व्हाइल पांच चेयर एंड थ्री टेबल कॉस्ट रुपीज 6,450, तो पांच को चेयर का दाम फिर से कितना होगा? 5x होगा, और तीन को टेबल का दाम 3y, क्योंकि एक टेबल का दाम हम खुद मान चुके हैं, तो पांच को का होगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6,450। समझ में आया? बोलिए। अब ये आपका इक्वेशन नंबर वन और ये आपका इक्वेशन नंबर टू, दो इक्वेशन दो अननोन। अब हो गया क्वेश्चन, सॉल्व कर सकते हैं आप, समझे बात को? अब इसको आप जिस मेथड से सॉल्व कर लीजिए, हम लोग सारे मेथड से सॉल्व करने सीख चुके हैं। बोलिए क्या किया जाए, किस मेथड से सॉल्व कर दें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हो? तो उसके लिए आरएचएस को एलएचएस में खींच लो पहले। तो 8x प्लस 5y माइनस 10,500, फिर हो गया तुम्हारा 5x प्लस 3y माइनस 6,450 इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में x डिवाइडेड बाई लिखते हैं ये वाली क्वांटिटी, यानी कि 5,3, इसको ढक लेते हैं 5,3, और फिर माइनस माइनस का 10,500 और यहाँ का माइनस 6,450 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई। तो जब y डिवाइडेड बाई लिखते हैं तो पहले ये और ये लिखेंगे, इसको ढक चुके हैं, तो बोलो उधर से इधर लिखते हैं ना, क्योंकि जहां से अंत होता है वहीं से शुरुआत करते हैं। बताए थे ना, यहां से अंत हुआ है तो यहीं से शुरुआत होगा। तो इसको तो ढक चुके हैं, तो इसको लिखें, फिर हम 8,5 को लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 1/, तो 1/ लिखेंगे, तो इसको ढक लेंगे। अब इसको लिखेंगे 8,5 और 5,3। बात समझे? अब हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कैसे किया जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई, अब तो आप जानते ही हो। तो एक्चुअल में ये वर्ड्स प्रॉब्लम का एक मैथमेटिकल जब इक्वेशन बन जाता है तो उसको सॉल्व करना बाकी रहता है बस। तो चलिए एक्स के डिवाइड में हम क्या लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, है ना। एक्स डिवाइडेड बाई 5 × −6,450, फिर माइनस 10,500 और × 3। ये तो रहा x के डिवाइड में, फिर इज इक्वल टू y के डिवाइड में क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। बोलिए, इसको मिटाते हैं हम। चलिए तो y के डिवाइड में लिखते हैं, y डिवाइडेड बाई −10,500 × 5 −8 × −6,450 इज इक्वल टू 1/, अब 8 × 3 होगा
और माइनस 5 इंटू 5 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर करके डायरेक्ट लिखेंगे, आप प्रिंट कर लीजिएगा, यहाँ के बाद आप समझ सकते हो। तो अब देखिए, यहाँ के बाद आपका कैलकुलेशन कर दिया गया है, इसका गुना ये आया माइनस माइनस प्लस, इसका गुना ये आया, फिर इसका गुना आप ये किए, फिर माइनस माइनस प्लस, इसका गुना ये आया, फिर अड़तली के 24, 50, 25, है ना, कैलकुलेट करके ये आया।